नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में बहुत इम्पोर्टेंट डिसीज़न दिया गया है जिससे कि टैक्स पेयर को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, जब आप जीएसटी की अपील फाइल करते हैं तो आपको अमाउंट डिपॉजिट करना होता है, उसके बाद ही आप अपील फाइल कर सकते हैं। तो क्या अमाउंट आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डिपॉजिट करना होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, इसके ऊपर हाई कोर्ट ने बहुत इम्पोर्टेंट डिसीज़न दिया है। इससे पहले कि हम ये केस लोड डिस्कस करें, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, केस के फैक्ट्स प्रकार हैं। टैक्सपेयर के द्वारा जीएसटी की अपील फाइल की गई, लेकिन जो अपील फाइल करने से पहले अमाउंट प्री डिपॉजिट करना होता है वो अमाउंट उसने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डिपॉजिट किया था, उसकी अपील रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट का ये कहना था कि अपील के लिए जो अमाउंट है वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डिपॉजिट किया जाना जरूरी है। जिसके बाद के टैक्स पेयर ने रिट पटिशन डाली हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के द्वारा जीएसटी एक्ट की प्रोविज़न को देखा गया जिसमें कि मेंशन किया गया है कि टैक्स पेयर टैक्स को पे करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज़ कर सकता है। इसके साथ ही जीएसटी रूल को भी देखा गया जिसमें कि सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज़ किया जा सकता है, और सीबीआईसी के सर्कुलर को भी रेफर किया गया जिसमें कि मेंशन किया गया है कि यदि कोई भी प्रोसीडिंग जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इनिशिएट की गई है और उसकी वजह से कोई टैक्स पेबल आता है तो टैक्स पेयर अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज़ कर सकता है उस टैक्स को पे करने के लिए। इस प्रकार हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया कि टैक्स पेयर अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज़ कर सकता है जीएसटी के अपील का अमाउंट जमा कराने के लिए, यानी कि जो प्री डिपॉजिट होता है उसे जमा कराने के लिए। दोस्तों, आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये जजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि नॉर्मली जीएसटी की अपील फाइल करने से पहले कहा जाता है टैक्स पेयर को कि वो ये अमाउंट अपने कैश लेजर से पे करें। तो अब आपको ये अमाउंट कैश लेजर से पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज़ कर सकते हैं अपील के लिए प्री डिपॉजिट करने के लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाए। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA26 टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।